सीरियल में बहुत जल्दी ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर फिराज को मालूम होने वाला है कि एक्चुअल में जिस दुआ के साथ उसने धोखा किया था वो और कोई नहीं बल्कि उसके बॉस की बेगम है, जिसकी वजह से उसकी नौकरी भी काफ़ी ख़तरे में आएगी और वो काफ़ी ज़्यादा डर भी जाएगा। लेकिन फिराज जैसे बदजन और बुरे लोगों जो होते हैं ना, वो बिल्कुल भी हार नहीं मानते, लिहाजा वो फौरी तौर पर जब दुआ उससे किसी किस्म की भी कोई भी हैंकी वैंकी करने लगेगी तो वो उसको फौरी तौर पर कह देगा कि तुम्हारी बहन के साथ मेरी शादी हुई है और अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो उसको तो मैं बिल्कुल दबाव पर बात कर दूंगा। हम देखेंगे कि फिज़ा बहुत ज़्यादा कोशिशें करेगी कि उसका एबॉर्शन ना करवाया जाए। वो अपने मियाँ को भी बातों बातों में समझाने की कोशिश करेगी कि ये हमारी पहली औलाद है, इसे दुनिया में आने दो, फिर हम किसी किस्म की कोई भी फैमिली प्लानिंग नहीं करेंगे। हमें हम देखेंगे कि कश्मायला दुआ के पास्ट के बारे में जानने की कोशिश करेगी, जिसकी वजह से उसे मालूम हो जाएगा कि एक्चुअल में फिराज वो लड़का था जिसकी वजह से दुआ घर